breaking news. श्री अमीरुद्दीन साहब, विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री मोहम्मद इंतजार हुसैन साहब, आफ्ताब मिर्जा जी, श्री खालिद बिन हमीद साहब, प्यारे साथियों, वी प्राउड, वी आर इंडियन, हमें गर्व है हम इंडियन है। बेशक भारत के हमारा हृदय रोम रोम अभिभूत हो जाता है जब ये दिन आता है। जरा कल्पना करिए उस दौर की, भूतपूर्व समय में हम गुलाम थे अंग्रेजों के और हमें कोई कार्य नहीं करने दिया जाता था, हमें कोई समानता का अधिकार नहीं था। कल्पना करिए कि हम जब गुलामी के दौर में थे किस तरीके से हमारे आज हम अपने विद्यालय में राष्ट्र का 71वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे राष्ट्र गणतंत्र के 70 वर्ष पूरे हो गए। 26 जनवरी 1950 को भारत का देश का अपना संविधान लागू हुआ था। मालूम होगा आपने, उसी को प्रतिवर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। खास तरीके से विद्यालय में बहुत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए ये 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। संक्षेप में, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिख दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्म निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। इसका मतलब, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। कश्मीर से लेकर ऊपर और नीचे कन्याकुमारी तक, समुद्र तट तक भारत एक है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसकी संप्रभुता को, सॉवरेंटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, समझ गए भारत। दूसरी बात, लोकतंत्रात्मक, लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन। यहाँ पर जनता का शासन है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसलिए ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है कि देश में सभी लोग संपन्न रहें, अमीर और गरीब की खाई पट जाए, सभी को समानता के अवसर प्राप्त होए, ये समाजवादी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीछे। समस्त अधिकारीगण और मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दो शब्दों में या दो पंक्तियों में अगर मैं संविधान के विषय में कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं जो जोड़कर सबको साथ रखे, हम सबको जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। और आज यही संविधान मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर कोई पंक्ति आपको दिल को छूती है या अच्छी लगती है तो ताली बजाकर आप प्लीज मेरा प्रोत्साहन करें। संविधान हमसे और आपसे कह रहा है, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रगान हूँ अपनों की मुख से गाया जाना चाहता हूँ। बहुत मनाते हैं हम अपनों की खुशियाँ हर दिन हर पल, बहुत मनाते हैं हम अपनों की खुशियाँ हर दिन हर पल, मैं भी जन्म दिवस सा हर घर में मनाया जाना चाहता हूँ। मैं संविधान अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। अपने ही अपनों की पहचान भुला बैठे हैं बिल्कुल, अपने ही अपनों की पहचान भुला बैठे हैं बिल्कुल। मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ वतन पर, मैं तिरंगा हूँ वतन का हर दिन फहराया जाना चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। जवानों की शहादत पर ए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों,
जवानों की शहादत पर है प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों, मैं देशभक्त हूँ, वतन पर 100 जान लुटाना चाहता हूँ। मैं देशभक्त हूँ, वतन पर 100 जान लुटाना चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ, अपनों द्वारा अपनाया जाना चाहता हूँ। और अपनी भावनाओं को मैं इन पंक्तियों के संग विराम देना चाहूंगी। ना वो हिंदू हो ना मुसलमान, ये हम नागरिकों के लिए जो भारतीय है, मैं भारतीय कहूंगी, किसी रिलीजन में उसको नहीं बांट रही हूँ, लेकिन मैं सबसे ये जो एक बात है वो शेयर करना चाहूंगी। ना वो हिंदू है ना मुसलमान, पढ़े कभी वेद कभी कुरान। ना वो हिंदू है ना मुसलमान, पढ़े कभी वेद कभी कुरान। इंसानियत हो धर्म उसका, हम सबका धर्म इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत हो धर्म उसका, और ग्रंथ हो संविधान।